खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाढ़ के दहोर गांव के पास अनियंत्रित हाइवा ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार किराना व्यवसायी सतीश चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो चालक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिससे इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। मृतक बेगूसराय जिले के वीरपुर गांव का निवासी था, जो पटना से अपनी दुकान के लिए रंग अबीर खरीद कर बेगूसराय जा रहा था। टेम्पो और हवा में टक्कर से मौत हुआ है पापा जी का। हमको पता चला 2:33 में फोन आया, जो जिसके साथ गए थे एक आदमी, उनका नंबर से ऐसा ऐसा बात है, जो आपका पापा का डेथ हो गया, जो आइए आप लोग जितना जल्दी से जल्दी। सिंगार स्टोर दुकानदार था सर, छोटा मोटा सिंगार का दुकान। एक बार फिर बता दें आपको, ये पूरा मामला बाढ़ का है, जहां पर किराना व्यवसाय की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक पटना से रंग अबीर लेकर बेगूसराय जा रहा था अपने गांव, लेकिन रास्ते में बाढ़ में अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई है। वहीं इस हादसे में ऑटो में सवार किराना व्यवसायी जो है थे, वो उनकी मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन ऑटो चालक जो है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये पूरा मामला बाढ़ का है, जहां नियंत्रित हाइवा ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हुई और इस हादसे में, सड़क हादसे में व्यवसाय की मौत हो गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं बाढ़ से। अनिल, पूरा मामला कब का है? 2 बजे रात के लगभग की है। संतोष चौधरी जो व्यवसायी थे, बेगूसराय के रहने वाले थे, वो होली को लेकर किराना का सामान लेकर ऑटो से आ रहे थे बेगूसराय। उसी बीच बाढ़ थाना क्षेत्र के दहाड़ गांव के पास एक हाइवा ने जबरदस्त टक्कर मार दी, और जिसमें वहां पर भीषण दुर्घटना हो गई। दुर्घटना स्थल पर ही संतोष चौधरी जो किराना व्यवसायी था, उनका मौत हो गया। उनके एक सहयोगी बुरी तरह जख्मी है, जिन्हें रेफर कर दिया गया है। अनिल, मामला बीते दिन का है, बीती रात के का ये मामला है, लेकिन क्या पुलिस को अब तक सफलता मिली है? जो हाइवा चला रहा था, वो जो चालक था, क्या वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में आया है? जी नहीं, अभी तक वो भागने में सफल हो गया। तो पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ हुई है अब तक? पुलिस का क्या कुछ कहना है इसमें? पुलिस का जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि बीती रात होने की वजह से वो पकड़ में नहीं आया। यदि दिन रहता तो कहीं कहीं वो पकड़ा जाता, लेकिन रात होने के कारण वो भागने में सफल रहा। तो क्या प्रशासन की ओर से कोई मुआवजा देने की बात हुई है मृतक के परिजनों को? अभी उनके पूरे परिजन बाढ़ सदर अस्पताल में हैं सर, और उनको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सारी प्रक्रिया देखी जा रही है कि मुआवजा उनको कैसे मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। पूरे प्रशासनिक तंत्र बाढ़ की लगी हुई है, और पोस्टमार्टम के बाद उनका शव को उनके परिजन को सौंप दिया जाएगा। बाकी प्रक्रिया जारी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल। तो एक बार फिर से बता दे, ऑटो और अनियंत्रित हाइवा की चपेट में आने से एक व्यवसायी की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई चल रही है, और जो हाइवा का चालक था, जो आरोपी चालक था, वो मौके से फरार है। अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया, जिसकी कार्रवाई, जिसकी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है।